हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है जादुई चश्मा। किसी गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी कमला और बेटा राधे उसके साथ ही रहते थे। वे दिन रात मेहनत करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन किसान ने अपने बेटे राधे से कहा, बेटा राधे, तुम्हारी माँ बाजार गई है और मैं खेतों में बीज बोने जा रहा हूँ, इसलिए तुम घर पर ही रहना, क्योंकि आजकल गांव में बहुत चोरियाँ हो रही है। ठीक है पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। किसान ने खेत पहुँचकर खेत की खुदाई शुरू की। तभी उसे फावड़े के किसी धातु से टकराने की आवाज सुनाई दी। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो उसे एक चमकता हुआ डिब्बा दिखाई दिया। किसान ने उस डिब्बे को बाहर निकाल के देखा। अरे वाह, ऐसा लगता है इसमें जरूर कोई खजाना होगा। यह सोचकर किसान ने जैसे ही डिब्बे को खोलकर देखा, वह उदास हो गया। हे भगवान, ये तो बस एक बेकार सा चश्मा है, मेरी तो सारी मेहनत ही खराब हो गई। यह सोचकर किसान ने उस चश्मे को वहीं छोड़ दिया और अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद राधे वहां आया। पिताजी, आप कुछ देर आराम कर लीजिए, तब तक मैं खेत की रखवाली कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, पर जरा ध्यान से, आजकल जंगली जानवर खेत में कभी भी आ जाते हैं। किसान वहीं पेड़ के नीचे लेटकर सोचने लगा। क्यों ना इस चश्मे को लगाकर देखा जाए, कम से कम इस धूप से तो आराम मिलेगा। किसान ने चश्मा लगाकर अपने बेटे की तरफ देखा और उसे कुछ जंगली जानवर अपने बेटे पर हमला करते हुए नजर आए। उसने जल्दी से चश्मा उतार दिया। अरे अरे, ये अचानक मुझे क्या हो गया था, ये सब था क्या, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। किसान ने दोबारा चश्मा लगाया और राधे की तरफ देखा। उसे दोबारा वही दिखा जो उसने पहले देखा था। किसान को समझ आ गया कि ये कोई साधारण चश्मा नहीं बल्कि जादुई चश्मा है। किसान ने जल्दी से चश्मा उतारा और राधे के पास जाकर बोला, बेटा राधे, तुम जल्दी घर जाओ, यहाँ सारा काम मैं खुद ही कर लूंगा। क्या हुआ पिताजी, मैं तो अभी घर से ही आया हूँ, माँ भी घर ही आई थी, फिर आप मुझसे जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। कल से खेत का सारा काम तुम्हें ही तो करना है, इसलिए आज तुम सिर्फ आराम करो। ये सुनकर राधे घर चला गया। किसान को समझ आ गया कि ये कोई साधारण चश्मा नहीं बल्कि एक जादुई चश्मा है, जिसे पहनकर वह सबका निकट भविष्य देख सकता है। किसान बहुत खुश हुआ। अरे वाह, अब तो मैं पूरे गांव का भविष्य देख सकता हूँ, क्यों ना मैं लोगों का भला करने के लिए इस चश्मे का इस्तेमाल करूं। किसान काम छोड़कर गांव में घूमने निकल गया। वे गांव के लोगों का भविष्य देखता और उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करने देता जिससे उन्हें कोई नुकसान हो। गांव के सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगे। एक दिन उसे अपना पुराना दोस्त लल्लन मिला। क्यों ना मैं लल्लन का भविष्य देखूं। किसान चश्मा लगाकर लल्लन को देखने लगा। उसने देखा कि लल्लन को एक व्यापारी जल्द ही बहुत सारा धन देने वाला है। इतना देखते ही किसान के मन में लालच आ गया और उसने आधा भविष्य देखकर ही चश्मा निकाल दिया। क्यों ना मैं लल्लन को उसके रास्ते से भटकाकर खुद ही उस व्यापारी से सारा धन ले लूं। यह सोचकर किसान लल्लन के पास गया। कैसे हो लल्लन भाई, और इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो। मैं ठीक हूं भाई, बस जरा बाजार तक जा रहा था। बाजार? लेकिन आज तो बाजार बंद है ना भाई। क्या बाजार बंद है, पर क्यों? मैं अभी बाजार से ही आ रहा हूँ, आज वहाँ किसी व्यापारी की दुकान में आग लग गई है, इसलिए आज बाजार बंद है। अच्छा, फिर तो आज बाजार जाना बेकार है। यह बोलकर ललन अपने घर चला गया और किसान पैसों के लालच में बाजार चला गया। बाजार पहुंचते ही किसान को अपना एक व्यापारी मित्र मिला, जिसने उसे पैसों से भरा एक बैग देते हुए कहा, अरे भाई, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, क्या तुम मेरा ये बैग अपने पास रख सकते हो, क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए दूर विदेश जा रहा हूँ,
और मैं ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, तो क्या मेरे वापस आने तक तुम मेरे बैग का ध्यान रख लोगे? अरे वाह, मैं इस बैग को लेकर बहुत अमीर हो जाऊंगा और व्यापारी मित्र के वापस आने तक अपना घर भी बदल दूंगा। इससे यह मुझे दोबारा कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। ऐसा सोचकर किसान ने अपने व्यापारी मित्र से कहा, अरे भाई, तुम निश्चिंत होकर विदेश जाओ, मैं इस बैग का अच्छे से ध्यान रखूंगा। ये कहते हुए किसान ने बैग ले लिया और व्यापारी वहां से चला गया। तभी वहां भागते हुए एक और व्यापारी आया और किसान को जोर से पकड़कर बोला, तुमने मेरा बैग चुराया, अब तुम्हारी खैर नहीं। व्यापारी ने किसान को बहुत मारा और इसी बीच वो चश्मा भी टूट गया। व्यापारी उसे बोलने का मौका दिए बिना ही बैग को अपने साथ लेकर चला गया। अब किसान को समझ आ गया कि वह पैसों से भरा बैग चोरी का था और उसके मित्र ने उसे धोखा दिया था। किसान को अब अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। ये सब इस जादुई चश्मे के कारण हुआ है। अगर मैं इस चश्मे से भविष्य ना देखता तो मेरे मन में कभी लालच नहीं आता और ना ही मैं इन सब चीजों में फंसता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।